इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 24 जून 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। एजुकेशन भास्कर, भास्कर प्रश्न बैंक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। बेरोजगार होने की शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात, विभिन्न भर्तियों को लेकर युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को सचिवालय में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगे, अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए और जल्द से जल्द चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा पीटीआई भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती, पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक, लाइब्रेरियन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा नई फर्स्ट ग्रेड, नई सेकेंड ग्रेड और नई थर्ड ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। रीट पात्रता परीक्षा 2023 की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। अध्यापक भर्ती कम किए गए 4500 पदों को वापस जोड़ा जाए और टीएसपी में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। विशेष शिक्षा सेकेंड ग्रेड शिक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। रीट पेपर लीक में शिक्षा विभाग, आरपीएससी से जुड़े बड़े नाम शामिल। ईडी ने तैयार की ऐसे नामों की लिस्ट। मास्टरमाइंड को दिल्ली लगी टीम। जयपुर रीट शिक्षक भर्ती 2021। शिक्षा विभाग न्यूज बीकानेर। स्नातक व 2 वर्षीय डिप्लोमा चयनित अभ्यर्थियों को L2 भर्ती में शामिल नहीं करने का आरोप, विरोध शुरू। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के तहत शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर स्नातक व 2 वर्षीय डिप्लोमा विषय शिक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती L2। शिक्षक संघ्रेष्ठा ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। नवज्योति न्यूज। प्रमुख मांगे, वर्तमान प्रक्रियाधीन थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022-23 L2 विषयवार विशेष शिक्षक के पद हेतु स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा धारी चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य शिक्षा के समान ही पात्र माने। इसके अलावा थर्ड ग्रेड तबादला और अन्य मुद्दों को लेकर, तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। नाहरपुरा, अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी, 30 तक मांगी आपत्तियां। बीकानेर, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू, आचार संहिता लगने से पहले सीफू भर्ती करवाने का प्रयास करेगा। 7 वर्ष बाद अब साल 2023 में होगी 131 डेंटल टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राजसमंद, भास्कर स्पेशल न्यूज पेपर लीक, सेकेंड ग्रेड, आरपीएससी सदस्य कटारा भांजे चालक के खिलाफ चालान पेश। अभ्यर्थियों को पेपर देने के बजाय बैच बनाकर रटवाए गए थे सवाल। 4 सीट पर 27 को सुनवाई, 48 आरोपी अब भी है फरार। गिरोह ने 2 रास्तों से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया लीक पेपर। 25-25 परीक्षार्थियों के बैच को उत्तर रटाया था, पकड़े नहीं जाए इसलिए पेपर नहीं बांटा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आरपीएससी सदस्य कटारा समेत 3 के खिलाफ चालान पेश। उदयपुर भास्कर न्यूज,
48 विषय के पद भरेंगे। आरपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों पर होगी भर्ती, 26 से आवेदन। नई कॉलेज व्याख्याता भर्ती। राजस्थान में 5388 पदों पर निकली वैकेंसी, 26 जुलाई तक करें अप्लाई। 69,200 रुपये तक मिलेगी सैलरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट। आरपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी। मुख्यमंत्री सीएमओ ने कार्मिक खेल विभाग को भेजा पत्र, खेल कोटे से भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान लोक सेवा आयोग को मिली है अभ्यर्थना, 28 साल बाद होगी राजस्थानी भाषा शिक्षकों की भर्ती। राजस्थान पत्रिका न्यूज। बेरोजगारों की प्रमुख मांगे, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला को दिया ज्ञापन। ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाई, अब 26 से खुलेंगे स्कूल। चित्तौड़गढ़ संभाग के 20 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कर्मोन्नत, उदयपुर संभाग। लो विश्वविद्यालय में सुमंदता का मामला, आज भी ऑनलाइन हो रहे हैं इंस्पेक्शन, नवज्योति जयपुर। कृषि विभाग में 555 पदों पर होगी भर्ती, एजेंसी को भेजी रिमांड। चित्तौड़गढ़ भास्कर न्यूज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 150 प्रश्नों का पेपर होगा, राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर 40 व 110 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा आरपीएससी 27 को। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। विद्यार्थियों को आगे के विषयों का मार्गदर्शन देंगे शिक्षा विभाग। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यूजी में भी अब सेमेस्टर सिस्टम लागू। जोधपुर की 450 स्कूलों को नहीं मिले वाइस प्रिंसिपल। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में सेकेंड ग्रेड के 23,836 पद खाली। जोधपुर भास्कर न्यूज। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। नीट यूजी में 615 अंक पर भी सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल, जबकि देश भर में इस साल बढ़ी 8,000 सीट। कोटा विश्वविद्यालय में बीएससी मैथ्स की मार्कशीट में जूलॉजी 40 में से 30 स्टूडेंट्स को बैक। कोटा जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा 2 घंटे की होगी। शिक्षा विभाग सिविरा पंचांग जारी, शिक्षण सत्र में 242 कार्य दिवस। पीली बंगा इस साल से कॉलेजों में लागू होगी नई शिक्षा नीति, अब तक फर्स्ट ईयर में शुरू नहीं हुए दाखिले। इग्नू के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 30 जून। इधर सीबीएसई ने शिक्षकों को जानकारी पहुंचाने व लगातार ट्रेंड करने के लिए लॉन्च किया वन स्टॉप ट्रेनिंग पोर्टल। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 पद पर 9 अभ्यर्थियों को किया पदस्थापित, शाम तक जारी किए अपॉइंटमेंट लेटर। 10वीं का परिणाम कम रहने पर 83 संस्था प्रधानों को नोटिस, बांसवाड़ा। 26 से खुलेंगे सरकारी स्कूल नए सत्र में, प्रवेश उत्सव में नामांकन वृद्धि पर की चर्चा, सागवाड़ा भास्कर न्यूज। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज न्यूज। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 29 जिले के 126 प्राइमरी स्कूल होंगे 8वीं में कर्मोन्नत, नए सत्र से कक्षा 6 में मिलेगा प्रवेश।